आज के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या आगे आने वाले समय में राजस्थान भाजपा में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या आगे आने वाले समय में सरकार से लेकर संगठन तक राजस्थान भाजपा में कुछ नए चेहरे नजर आएंगे? क्या आगे आने वाले समय में चुनाव परिणामों को लेकर आरोप और आरोपी तय किए जाएंगे? या आगे आने वाले समय में राजस्थान भाजपा के वो चेहरे जो इन दिनों दिखाई नहीं देते हैं वो दिखने लगेंगे, वो बोलने लगेंगे, उनके माध्यम से कुछ सवाल भी पार्टी के समक्ष रखे जाएंगे? ये सभी संभावनाएं पूरी तरह से संभव है, और वो इसलिए संभव है, वो इसलिए दिखाई दे सकती है क्योंकि आज जो परिणाम आए उसमें लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 से 25 सीटें आती रही है, मगर अचानक आज के परिणामों ने उनसे 11 सीटें छीन ली है। तो भारतीय जनता पार्टी आ गई है 14 पर। कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो लगातार दो बार से शून्य पर बैठा था, अचानक उसके खाते 11 सीटें दिखाई दे रही है। ये इतना बड़ा नुकसान जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी महसूस किया जा रहा है, तो वहाँ से अब चीज़ें हो सकता है बदलती दिखाई दे इस पूरे के पूरे मामले में। क्योंकि सबसे कमाल का विषय यह है कि सरकार मात्र 6 महीने पहले बनी है, तो अभी ताज़ा सरकार बनी है। 6 महीने पहले प्रदेश में जनता ने विधानसभा चुनाव में एक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश में जनादेश मिलने के मात्र 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और उस नुकसान में भी मैं अगर आपको दोनों ही दौर के नुकसान बताऊं तो आपको लगेगा कि शायद फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दौर में आते आते चीज़ों को संभाल लिया, अन्यथा स्थिति और भी बुरी हो सकती थी। और उसका कारण ये है कि राजस्थान में जो दो चरण के चुनाव हुए हैं, जिसमें कि पहला 19 अप्रैल को हुआ था, उसमें 12 सीटों पर चुनाव हुए। अगर आज के परिणाम देखें उन 12 में से मात्र 4 सीटें भाजपा जीती है, अलवर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, उसके अलावा 8 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यही ट्रेंड अगर दूसरे चरण तक चलता तो भाजपा का नुकसान और भी बड़ा हो सकता था, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से थोड़ा सा सबक लिया, दूसरे चरण तक आते आते स्थितियों को संभाल लिया, उससे 14 के आंकड़े तक भी पहुंच पाई, अन्यथा चीज़ें शायद मेरे ख्याल से 21 तक भी सिमट सकती थी। तो अब शायद ये वो समय आ गया है, संभावना है उस समय की जताई जा रही है कि कई बार जो अंदर खाने कुछ नाराजगियों के स्वर चलते हैं, कुछ अंदर ही अंदर विरोध के स्वर चलते हैं, मगर सामने नहीं आते हैं। क्या ये जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक राजस्थान में, उसके बाद अब वो जो पर्दे के पीछे के जो विरोध है, नाराजगियां हैं, अब पर्दे के आगे सुनाई देगी, आगे दिखाई देगी। उसमें जिक्र वसुंधरा राजे का किया जाना ज़रूरी है। हालांकि वसुंधरा राजे इस पूरे चुनाव में बड़ी शांत और एक झालावाड़ तक अपने आप को सीमित रखकर दिखाई दी, और झालावाड़ के जो परिणाम हैं उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 लाख वोटों के आसपास से दुष्यंत सिंह जीते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि उनके सामने एक कद्दावर चेहरा था, प्रमोद जैन भाया की पत्नी स्वयं चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या वसुंधरा राजे कहीं कुछ प्रश्न पार्टी के पटल पर रखने की तैयारी कर रही है? साथ ही ये सवाल भी कि अब इस पराजय का दोषी कौन, इन परिणामों का आरोपी कौन? कुछ आरोपी तय किए जाएंगे, और आरोपी यूं तो है नहीं कि सिर्फ प्यादों तक आरोपों को सीमित करके रख दिया जाए। आरोपों की आज शीर्ष पदों तक पहुंचेगी, शीर्ष पदों में हो सकता है फिर संगठन में बदलाव दिखाई दे, हो सकता है सरकार में बदलाव दिखाई दे, क्योंकि चीज़ें बदलनी तो शुरू होगी। और बदलावों की बात किरोड़ीलाल मीणा आज अपने एक ट्वीट के माध्यम से भी करते आए हैं, जिसमें हालांकि वो अपने बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो एक प्रण किया था कि अगर 7-8 सीटें जो जिक्र किया था कि अगर वो नहीं जीता पाता हूँ तो फिर मैं अपने मंत्री पद से त्याग दे दूंगा, क्या उनका अपना मंत्री पद छोड़ना कुछ और लोगों के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है? इन तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा धक्का लगा है। लगातार अगर आप देखें तो राजस्थान में इस बात की चर्चा तो थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 25 से 25 नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई कहता था 1 सीट हारेंगे, कोई कहता था 2 सीट हारेंगे, कोई कहता था अधिकतम 5 सीट हारेंगे। किसी ने भी अनुमान या आकलन नहीं लगाया होगा कि उनको 11 सीटों का एक बड़ा नुकसान होने वाला है, और बड़े नुकसान के खामियाजे भी बड़े ही लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं
वो कब इस नुकसान की जद में आएंगे, कब ये बिजली उन पर गिरेगी, कब गाज उन पर गिरेगी, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये तय है कि अब राजस्थान भाजपा में सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा 4 जून से पहले तक चलता आया है। अब यहाँ चीज़ों को स्वीकार करने के जो पैमाने हैं वो बदलेंगे, चीज़ों को नज़रियों को देखने के जो पैमाने हैं वो बदलेंगे। अब सिर्फ फैसले स्वीकार नहीं होंगे, अब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे, जिम्मेदारियां तय करने की कवायदे अब आप यकीन मानिए यहाँ से शुरू होने वाली है। अब शुरुआत कौन करेगा, इसमें आगे अगुवाई कौन करेगा, पहला सवाल कौन सा होगा, पहली गाज किस पर गिरेगी, परिणामों का मंथन क्या होगा, चीज़ों के पोस्टमार्टम से क्या कितनी चीज़ें चीरी फाड़ी जाएगी, या आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मगर पोस्टमार्टम होना तय है। तमाम उठापटक पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।